उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में मस्जिद के अंदर रंग फेंका गया कुछ शहर पसंद लोगों ने। एहतजाज करने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आइए देखते हैं इसकी मजीद तफसीलात। यहाँ घटना ये हुई थी, मैं मस्जिद में सफाई कर रहा था, इसी वक्त मुझे शोर सुनाई दिया डीजे का। मैं गेट पर आकर के खड़ा हो गया, मैंने देखा कि चार दरोगा थे और 8-10 पुलिस वाले थे, पुलिस जीप की गाड़ी के आगे आगे चल रहे थे जिसमें कि डीजे लगा हुआ था। उस गाड़ी पर 25-30 लोग फुड़दंग मचा रहे थे रंग के साथ। बाकी पीछे मैंने देखा राहुल गुप्ता भी थे, सुरेश गंगवार भी थे, इनकी मौजूदगी में सैकड़ों लोग थे, जुलूस की शक्ल में चल रहे थे। वैसे यहाँ पर आए, उन्होंने मुझ पर रंग फेंका और यहाँ बढ़ करके मस्जिद के अंदर भी रंग फेंका, जिससे कि आप लोगों ने देखा है सब में रंग पड़ा हुआ है। मैंने मना करा तो गाली देके कि बस अब ये कुछ नहीं चलेगा, हिंदुओं का चलेगा जो भी कुछ चलना है, मुसलमानों के खिलाफ बहुत बहुत बद्दी गाली दे रहे थे। और मैंने जब कहा तो पुलिस और लेकर के उनको चली गई, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं करी। आप मस्जिद में क्या है, कमेटी देखते हैं क्या? मैं मस्जिद की कलम मुतवल्ली भी हूँ, मस्जिद का कमेटी भी हूँ, मतलब मौजिद भी हूँ मस्जिद का। अब आपकी तरफ से क्या मांग की जा रही है? मेरी तरफ से यही मांग है कि जिसने भी ये करा है, सबसे पहले तो मेरी प्रशासन से ये मांग है कि जब यहाँ इस रूप से होली का जुलूस नहीं निकलता है तो इन्होंने परमिशन क्यों दी? कार्रवाई होना चाहिए, इसमें परमिशन दी है। और जिन लोगों ने पहली बार निकाला है इन्होंने जुलूस यहाँ से होली का, और जिन लोगों ने ये करा है, जिनकी मौजूदगी में ये जुलूस था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए।